केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी दे, बिहार में जो बीज और खाद की किल्लत है जिसके कारण किसान रोड पर है, लगातार जूझ रहे हैं, उनके उन्हीं का हक के साथ कालाबाजारी किया जा रहा है, उन सभी मांगों को पूरा करे राज्य सरकार। बिहार में नवनिर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जाप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर बाईपास स्थित टोल प्लाजा के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान एमएसपी की गारंटी, खाद बीज की आपूर्ति, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वार्ड सचिव की नौकरी स्थायी करने, पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग कर आवाज बुलंद की। जाप के पटना जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव ने कहा कि जाप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रही है ताकि किसानों की फसलों का वाजिब दाम मिल सके। आज जो है हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के निर्देश में आज एमएसपी गारंटी, किसानों के खाद की कालाबाजारी और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, महंगाई और लगातार पंचायत प्रतिनिधियों की हो रही हत्या के खिलाफ में हमने आज पूरे बिहार में के सड़कों पे आज चक्का जाम करने का काम किया है। और यदि एमएसपी की गारंटी और जो है सरकार यदि नहीं देने का काम करती है और खाद की कालाबाजारी बिहार सरकार नहीं रोकने का काम करती है तो आगामी 10 जनवरी को भी हम जो है रेल का चक्का जाम करेंगे। यह टोल प्लाजा के पास हम लोगों ने आज चक्का जाम करने का काम किया है और सरकार को सांकेतिक निर्देश देने का भी काम किया है कि यदि खाद की कालाबाजारी नहीं रुकी, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिली और एमएसपी की बिहार में गारंटी नहीं हुई तो हम लोग जो है रेल का चक्का जाम, पूरे बिहार के सड़क का चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे। राज्यव्यापी एनएच जाम था। ये हम लोग को चार मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें चार मांग में केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी दे और साथ में जो बिहार में जो बीज और खाद की किल्लत है जिसके कारण किसान रोड पर हैं, लगातार जूझ रहे हैं, उनके उन्हीं का हक के साथ कालाबाजारी किया जा रहा है, उन सभी मांगों को पूरा करे राज्य सरकार। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा को जिस तरह से राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में हथकंडा को अपनाया है, आज वो कहीं ना कहीं भूल गए कि हमें विशेष राज्य का दर्जा भी केंद्र सरकार से लेना है, तो विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को दिलाएं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है। साथ में वार्ड सचिव को स्थायी बहाली करें, वो लगातार करीब लाखों की संख्या में रोड पर हैं, धरना पर हैं, उनकी मांगों को लेकर। और इसके साथ जो बिहार में नवनिर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लगातार अपराधियों द्वारा उनकी हत्या की जा रही है, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये चार मांगों को लेकर हम